प्रतापगढ़। सावन मास के चौथे सोमवार को शहर में महाकाल की तर्ज पर दीपनाथ महादेव की शाही सवारी निकली। इस शाही सवारी को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के कई हिस्सों से अलग अलग संगठन और समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर महादेव का स्वागत किया। यह सवारी किला परिसर से शुरू होकर सदर बाजार होते हुए दीपनाथ महादेव मंदिर पर जाकर समापन, जहाँ महाआरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। सजे धजे घोड़ों, बैंडबाजों, ढोल नगाड़ों के साथ सवारी किला परिसर से शुरू होकर सदर बाजार होते हुए दीपनाथ महादेव मंदिर में खत्म हुई। इस शोभा यात्रा में शामिल हुए सभी श्रद्धालु नाचते गाते भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे। शोभा यात्रा में पुरुष सफ़ेद कुर्ते, सिर पर पगड़ी और गले में महादेव के नाम के ऊपर में पहनकर चल रहे थे। वहीं महिलाएँ लाल साड़ी में शोभा यात्रा में शामिल हुई। मंदिर पहुँचने के बाद भव्य आरती की गई। शाही सवारी निकालने के दौरान विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा की गई। रास्ते में गुलाब जल का छिड़काव शोभा यात्रा में सभी नगरवासियों पर बरसाया जा रहा था। भोलेनाथ की पालकी को भक्तों ने कंधों पर उठा रखा था। दीपनाथ चांदी की प्रतिमा, छत्र, ज्वेलरी और त्रिशूल के साथ पालकी में विराजे थे। शाही सवारी का विभिन्न संगठनों और व्यापारियों और आमजन ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया।